बात 1977 की है, जब मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन आया जिसमें यह था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टल पर लिखवाना गलत नहीं है। दरअसल पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है, जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से 15 सवाल जो शायद आपके दिमाग को हिलाकर रख दे, इसलिए ध्यान से सुने। सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? सवाल नंबर 2, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? सवाल नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? सवाल नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? सवाल नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? सवाल नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सवाल नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? सवाल नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? सवाल नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए देख नहीं पाते? सवाल नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? सवाल नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं? सो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस अमेजिंग जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।